हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, री मीन फिर से, जनरेशन मीन्स बनाना। जब आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है और सम टिश्यू और पार्ट गोज मिसिंग, देन दैट पार्ट इज डेवलप्ड अगेन, इट इज रीस्टोर्ड। रीजनरेशन हमेशा एडल्ट्स में होगा, मीन्स पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है, मीन्स इन एडल्ट दिस रीजनरेशन टेक्स प्लेस। हम रीजनरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट्स द डेवलपमेंट इन एडल्ट, और वी कुड से पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ, to restore any damaged or missing part or tissue. So regeneration इसे कहते हैं। regeneration के भी अलग अलग types होते हैं, हम वो देखेंगे। Now type of regeneration, चार type की regeneration process होते हैं। First is स्टेम सेल मीडिएटेड। स्टेम सेल मीडिएटेड मीन्स वो रीजनरेशन दैट इज कैरीड आउट बाय स्टेम सेल। एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, जैसे आपके ब्लड सेल्स हो गए, आपके रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट हो गया। हेयर शाफ्ट, आपके जब बाल झड़ जाते हैं तो उसकी जगह जो नया बाल आता है, दैट कम्स बिकॉज ऑफ स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। और प्लेनेरिया में, दैट इज द फ्लैट वर्म, उनमें रीजनरेशन स्टेम सेल मीडिएटेड होता है। दूसरा हो गया एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस मीन्स जिसमें डिफ्रेंशिएटेड सेल डी डिफ्रेंशिएट होते हैं, दे टेक अप न्यू फंक्शन एंड देन री डिफ्रेंशिएट। जैसे आप सोच लीजिए एम्फीबियन लिम्स में होता है। तीसरा जो टाइप हो गया वो हो गया मॉर्फालैक्सिस। मॉर्फालैक्सिस मीन्स मॉर्फोलॉजी भी चेंज होती है, रीपैटर्निंग होती है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में, रीपैटर्निंग अकर्स। जैसे आपके हाइड्रा में देख लो, अगर आप एक एडल्ट हाइड्रा को काटते हो तो दो छोटे हाइड्रा बनते हैं, ना कि सेम साइज़ के हाइड्रा। छोटे साइज़ के हाइड्रा बनेंगे, जहाँ से पार्ट कट होता है वहाँ के सेल्स रीअरेंज होते हैं टू मेक द कंप्लीट बॉडी। और फोर्थ टाइप का हो जाता है, उसको कहते हैं कंपनसेटरी रीजनरेशन। इसमें एपिमॉर्फोसिस और कंपनसेटरी में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएटेड सेल का। डिफरेंशिएटेड सेल थे, वो डी डिफरेंशिएट हुए, उन्होंने न्यू फंक्शन लिया, फिर उनका री डिफरेंशिएशन होता है। जबकि कंपनसेटरी रीजनरेशन में डी डिफरेंशिएटेड सेल्स ही मल्टीप्लाई करते हैं एंड फॉर्म अनदर डी डिफरेंशिएटेड सेल। जैसे आपके लिवर में होता है, मेमेलियन लिवर में कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है। हम हर एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा विद एन एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज स्टेम सेल मीडिएटेड। जो हमारा फर्स्ट टाइप की रीजनरेशन है वो है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। स्टेम सेल मीडिएटेड मीन्स स्टेम सेल्स आर इन्वॉल्व। हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, ब्लड सेल्स का। एग्जाम्पल आप ले लो ब्लड सेल। ब्लड सेल में हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का नाम पढ़ा था हमने, वो मल्टीपोटेंट होती है। यहाँ पे आप सोचो ये स्टेम सेल है, ये डिवाइड करेगी और अलग अलग टाइप के सेल्स बना देगी। प्लेनेरिया का एग्जांपल देखते हैं। ये प्लेनेरिया हो गया आपका,
इसको अगर मैं काट दूं तो हमारे पास एक हेड पार्ट है, एक मिड सेक्शन है और एक लोअर पार्ट है। यहाँ के जो पार्ट दैट इज कट, जो इनका एच पार्ट होता है, यहाँ वाले सेल्स जो नए, हाउ डू आई से इट, द स्टेम सेल्स दैट फॉर्म्स द, यहाँ के स्टेम सेल्स जो ब्लड के थे वो तो कैसे थे, मल्टी पोटेंट, मीन्स वो कई सेल्स बना सकते थे बट लिमिटेड नंबर में। पर प्लानेरिया के सेल्स जब वो पूरी बॉडी बनाएंगे, दे आर मेकिंग द होल बॉडी, तो ये किस टाइप के हो जाएंगे, प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट मीन्स दे कैन फॉर्म द होल बॉडी। टोटीपोटेंट में वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे वो बाकी बॉडी बना देगा, एंड द होल पार्ट इज फॉर्म्ड। अरे ये आपके प्लानेरिया का हो गया। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पर इतना हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देख रहे थे वो थी एपी मॉर्फोसिस, जिसमें हमने कहा था कि एक डिफरेंशिएटेड सेल मींस जिसने अपना एक स्पेसिफिक काम ले रखा हो, वो होता है डी डिफरेंशिएटेड, मीन्स वो अब अनडिफरेंशिएटेड हो गया, मीन्स उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड इसलिए होता है दैट सो दैट इट कैन मल्टीप्लाई, ये फिर डिवाइड करता है। दिस अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट फॉर्म्स डिफरेंट सेल, ये अब डिवाइड कर रहा है, ये डिफरेंट सेल्स बनाएगा, मीन्स ये आप रीडिफरेंशिएट करेगा, रीडिफरेंशिएट। एग्जांपल आप ले लीजिए, हम किसका लेंगे एग्जांपल, एम्फीबियन लिप जनरेशन का। ये आपका सोच लीजिए एम्फीबियन है, अगर मैं इसका एक आर्म काट दूँ, मीन्स दिस आर्म गेट सेपरेटेड, तो ये वाला पार्ट जहाँ पे कट हुआ है उसके एज पे जो पार्ट थे, दीज सेल दैट आर प्रेजेंट एट द एज वेयर द कट टेक प्लेस, दीज सेल्स अंडरगोस डी डिफरेंशिएशन, और वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का ऐसे मास बना देते हैं, एंड दिस मास इज कॉल्ड, ये जो मास बनता है सेल डिवीजन से, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन ब्लास्टिमा। हमने क्या देखा, अगर मैं एक एम्फीबियन का आर्म काट दूँ, देन द सेल प्रेजेंट एट द पार्ट दैट इज कट, वो डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएट होके एक डिवाइड करेंगे, एक मास ऑफ सेल बना देंगे, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन ब्लास्टोमा। इस रीजनरेशन ब्लास्टोमा में ए ई सी एक्टिव होता है, ए सी मीन्स एपिकल एक्टोडर्मल कैप फॉर्मेशन होता है। These blastoma, what they will do, they form the apical cap, apical ectodermal cap by secretion of F9, F10, F8. ये सारे secretion की वजह से these blastoma rearrange themselves and forms an apical ectodermal cap. ये cap के cells फिर क्या करेंगे, री डिफरेंशिएट करते हैं एंड फॉर्म्स द लिप, एंड द पार्ट दैट वॉज लॉस्ट इज रीजनरेटेड। फिर से देखते हैं, एम्फीबियंस में एपीमॉर्फोसिस होता है, अगर उसका लिम्प काट दिया, देन द सेल्स प्रेजेंट एट द एज विल री डिफरेंशिएट, फॉर्म्स रीजनरेटिव ब्लास्टिमा।
रीजनरेटिव ब्लास्टिमा में सेल सिग्नलिंग होती है एंड दे फॉर्म एन एपिकल एक्टोडर्मल कैप, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे विच द सेल्स विच देन अंडरगोस रीडिफ्रेंशिएशन और लिम्ब्स बनते हैं। अब ये कैप से लिम्ब कैसे बनेगा ये आप थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे कि कौन से पार्ट में फिंगर बनेगी, कौन से पार्ट में थंब बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट? मॉर्फोजिन का ग्रेडियंट। मॉर्फोजिन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन मॉर्फोजेनेसिस, मीन्स डिफरेंट ऑर्गन बनाने में, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने में जो हेल्प करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर मॉर्फोजिन, इन केस ऑफ लिम्स जो मॉर्फोजिन होता है उसे हम कहते हैं रेटिनोइक एसिड, इसका डिफरेंट ग्रेडियंट हो गया। जैसे यहाँ पे ज़्यादा हुआ तो यहाँ लिम्ब बन गया, यहाँ कम हो गया, एंड एज द ग्रेडियंट कीप ऑन डिक्रीजिंग वहाँ पे मिडल फिंगर बनती है, स्मॉल फिंगर बनती है या पिंकी फिंगर बनती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ मॉर्फोजिन। थर्ड जो टाइप हमने देखा था रीजनरेशन का, दैट वॉज मॉर्फालेक्सिस। मॉर्फालेक्सिस मीन्स जो एग्जिस्टिंग सेल है उनमें रीपैटर्निंग होती है। यहाँ पे कोई न्यू सेल डिवीजन नहीं होता, जो जो सेल प्रेजेंट है वो ही अपने आप को रीअरेंज करते हैं। हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रा का, जैसे ये हाइड्रा है, दिस इज हाइड्रा। अगर इस हाइड्रा को लॉन्गिट्यूडनली काट दिया जाए देन द सेल्स दैट आर प्रेजेंट विल अंडरगोस रीपैटर्निंग एंड टू स्मॉल हाइड्रास वुड बी फॉर्म्ड। अब ये रीपैटर्निंग होती कैसे है? ये अगेन रीपैटर्निंग तो होगी, जो सेल्स प्रेजेंट थे उन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर दिया। अब हाइड्रा में एक और चीज़ आपको पता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बट। ये अगेन किसकी वजह से होता है? ग्रेडियंट फॉर्मेशन की वजह से। जो हाइड्रा बन चुका है, द एडल्ट हाइड्रा, इट हैज़ टू टाइप ऑफ ग्रेडियंट इन इट्स बॉडी। ये इसका हेड है एंड दिस इज इट्स फुट। फुट जो बन गया वहाँ पे तो होते हैं फुट इनहिबिशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे होता है हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट। एक एडल्ट जो हाइड्रा होता है, मींस जब हाइड्रा छोटा होता है तब तो उसके हेड और फुट पार्ट में हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट होता है, फुट में फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट। बट वंस इट इज़ कम्प्लीटली फॉर्म्ड, मीन्स बड़ा हो जाता है, देन इन हेड रीजन देर इज हेड सेकेंडरी हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट, और फुट में होता है फुट इनहिबिशन ग्रेडियंट। हाइड्रा में होती है बडिंग, तो अगर हमें बड बनानी है तो वो उस रीजन में होगी जहाँ पे मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम उन्हें मिले हेड इनहिबिशन और फुट इनहिबिशन। वो कौन सा पार्ट हो गया? दिस मिड पार्ट। तभी हाइड्रा में जो बड बनती है दैट इज फॉर्म्ड क्लोज टू इट्स मिड रीजन। तभी जो बडिंग होती है वो एडल्ट या बिग लार्ज साइज हाइड्रा में होती है, स्मॉल में नहीं होती। स्मॉल में इसलिए क्योंकि हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट यहाँ है, फुट इनहिबिशन ग्रेडियंट आ गया, सो द देर इज़ हार्डली एनी रीजन जहाँ पे मिनिमम ग्रेडियंट हो। यहाँ पे भी जब मिड रीजन में भी ग्रेडियंट बनेगा इनहिबिटर्स का, दैट इज़ टू हाई फॉर द बड टू फॉर्म। हावेवर एडल्ट में इतनी डिस्टेंस हो जाती है कि ग्रेडियंट यहाँ पे काफ़ी कम होता है, इट्स डाइल्यूटेड, मिनिमम होता है, तो यहाँ पे बड बनने के चांसेस होते हैं। थर्ड हमने देख लिया था मॉर्फालेक्सिस। फोर्थ है कंपनसेटरी रीजनरेशन। इस पे डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड होते हैं और डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल अगर डिवाइड होकर डिफरेंशिएटेड सेल बनाएंगे तो वो सेम टाइप के ही बनाएंगे। एग्जांपल हमने देखा था
मेमेलियन लिवर का, आपके लिवर में पावर होती है वो रिजनरेट कर जाए। ये आपका लिवर है, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, दिस पार्ट गेट्स रिमूव्ड, देन द सेल्स दैट आर प्रेजेंट हियर, द डिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड अगेन फॉर्म लिवर सेल्स ओनली, दे विल रीजनरेट देयर ओन टाइप ऑफ सेल्स, नॉट एनी न्यू और अदर टाइप ऑफ सेल्स। इनमें कोई पोटेंसी नहीं होती, इनमें सिर्फ खुद की ही, दे आर मोनोपोटेंट और कह सकते हैं यूनिपोटेंट, दे आर यूनिपोटेंट, मल्टी नहीं है, मीन्स कई टाइप की सेल नहीं बनाते, वो सिर्फ एक ही टाइप के, खुद के टाइप की सेल बनाएंगे। यहाँ पे कोई डी डिफ्रेंसीशन नहीं हो रहा, रीपैटर्निंग नहीं हो रही, और यहाँ पे कोई वो ब्लास्टिमा, रीजनरेशन ब्लास्टिमा भी नहीं बन रहा। एक बार हम पूरे आज के टॉपिक को समराइज कर देते हैं, रीजनरेशन एंड एग्जाम्पल्स। पहला हमने देखा था स्टेम सेल मीडिएटेड, जो हमारे होता है ब्लड सेल में, दूसरा आपके हेयर शाफ्ट में, और तीसरा एग्जाम्पल बेस्ट देखा था हमने प्लेनेरिया में। दूसरा हमने देखा था एपी मॉर्फोसिस, जिसमें क्या हो रहा था, डी डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, दे डिवाइड एंड दे री डिफ्रेंशिएट, और रीजनरेशन ब्लास्टिमा बन रहा था। ये किस में हमने देखा, एम्फीबियन लिम्प में। फिर हमने देखा मॉर्फालेक्सिस, जिसमें क्या हो रहा था, री पैटर्निंग हो रही थी। ये हमने देखा था हाइड्रा के केस में, और हाइड्रा में हमने बडिंग का कॉन्सेप्ट भी देखा। फोर्थ एंड लास्ट इज द कंपनसेटरी, जिसमें डी डिफ्रेंशिएटेड सेल डिवाइड होकर सेम ही टाइप के डिफरेंशिएटेड सेल बनाते हैं, जैसे ममेलियन लिवर में। रीजनरेशन में इतना ही, थैंक यू।